निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खटीमा तहसील प्रशासन जुट चुका है। तहसील सभागार में तहसीलदार खीम सिंह बिष्ट ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान आम जनता को होने वाली परेशानियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सुझाव मांगे गए, जिसमें 1200 से अधिक मतदान वाले बूथों में मतदाता की सुविधा के लिए अन्य बूथों की स्थापना, साथ ही मतदान केंद्रों में बिजली पानी सहित अन्य सुविधाओं के संदर्भ में समीक्षा की गई। वहीं तहसीलदार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आए सुझावों को निर्वाचन आयोग को भेजकर लोकसभा चुनाव से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। ये बैठक आज लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारा जो है 2019 में जो हमारा लोकसभा का जो है निर्वाचन होना है, उसके तहत निर्वाचन आयोग से एक दिशा निर्देश प्राप्त है कि जो है राजनीतिक दलों के साथ जो है हमारे उच्च अधिकारियों से भी यह आदेश प्राप्त है कि राजनीतिक दलों को बैठाकर उनके सुझाव जैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो है मतदेस्थल है उसमें 1200 से अधिक मतदाता हैं, या शहरी क्षेत्र में 1400 से अधिक मतदाता हैं उनका एडजस्ट करना है, या पोलिंग बूथ पर रैंप विद्युत और बिजली या वो जो है अगर डैमेज होने की दशा में उसको चेंज करना है, इस संबंध में हमने सभी राजनीतिक दलों को जो है बैठक ली है। उसके साथ हमारे राजस्व विभाग के जो है हमारे कार्य में पटवारी भी रहे हैं और उनके जो सुझाव दिए गए हैं उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा, नोट कर लिया गया है और आपस में जो भी मतलब उसको निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जो भी हम सुदृढ़ संपन्न कराने के लिए निर्वाचन को जो भी सुझाव उनके मतलब दिए गए हैं उनका जो है अमल करेंगे और उनका तत्परता से जो है उसके रिपोर्ट तैयार करके जो है उस स्तर पर भेजी जाएगी और जिससे जो है शांतिपूर्ण ढंग से या अच्छे उससे व्यवस्थित चुनाव सफल संचालन कर सकते हैं। संवाद 365 के लिए खटीमा से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।